हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करने लग रहे थे बच्चों किसका, डिफरेंशिएशन का। काफी लेक्चर्स डिफरेंशिएशन पर पढ़ चुके हैं। अब जो बात करेंगे आज, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, लॉगरिथमिक फंक्शंस के और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं। ऐसे तो बहुत ज्यादा फार्मूले हैं, बट मैं बहुत लिमिटेड से जो मुझे काम आएंगे सिर्फ वो फार्मूले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मैंने फार्मूले बच्चों बोर्ड पे लिखे हैं, आप एक बार के लिए स्क्रीन पोस्ट करके एक तो ये नोट कर लीजिएगा, प्लस आपको ये फार्मूले याद भी होने चाहिए। जब ये फार्मूले याद हो जाएंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद करने, क्या फार्मूले हैं। तो मैं ये हुक कर रहा हूँ कि पिछला लेक्चर, पिछले जो लेक्चर्स थे, प्रीवियस लेक्चर्स, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। बच्चों माइनस के साइन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको याद रखना है। तो बेटा कहा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, cos x का जो डेरिवेटिव आएगा वह माइनस साइन x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant square x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square x। आप एक बात देखेंगे बच्चों, एक बात नोट करना, जिन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका इनिशियल सी है, उन सब के साथ एक नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है ना। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चे किससे शुरू हो रहे हैं, सी से। कॉस एक्स का देख लो, चाहे कॉसेकेंट एक्स का देख लो, चाहे कोट एक्स का देख लो, इन सब के साथ इनका जो डेरिवेटिव है उसमें माइनस साइन आता है। तो आप मेरे साथ फटाफट से रिवाइज करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्योंकि c से शुरू हुआ है, tan x का डेरिवेटिव secant square x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x cot x, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square x। ये छह फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री के होंगे बच्चों। अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन, पहला डेरिवेटिव है log बेस e x। ये बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें बेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इसमें हमारा जो बेस है, यहाँ पर बेस e है, एक्सपोनेंशियल बेस है, तो लॉग बेस e अगर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1/x। लेकिन अगर बेस यहाँ पर बदल दिया, आपने बेस क्या बना दिया, बेस को a लिख दिया है, तो क्या होगा, देखो लॉग का डेरिवेटिव 1/x तो होना ही चाहिए था, अब मैंने बेस बदल दिया और उससे क्या आया, log बेस ई ए। समझ में आया बच्चों, भाई log x का जो डेरिवेटिव था वो 1/x था, लेकिन अगर log का बेस a कर दिया तो 1/x log बेस ई इंटू ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत कम यूज होगा बट मुझे पता होना चाहिए। अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चों e की पावर x ही होगा, और a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, जैसे e की पावर x होता था, a की पावर x इनटू log बेस e इनटू a। बोलो क्लियर है क्या। तो ये हमने ये जो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये फॉर्मूले तो हमने क्या करने हैं, ये याद रखने हैं। कुल मिला के 6 ये हैं और 4 ये, 6 और 4 10 फॉर्मूले हो गए हैं। ये 10 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। फटाफट से देख लो, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स का सेकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंट एक्स का सेकेंट एक्स टेन एक्स, फिर हम बात करें कॉसेकेंट एक्स का माइनस कॉसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, लॉग बेस ई एक्स का 1/x, लॉग बेस ए एक्स का 1/x, लॉग बेस ई ए, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, लॉग बेस ई ए। बोलो समझ में आया। यह है 8 फॉर्मूले, ये 10 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इसके बाद जो अगला हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चेन रूल, दैट इज चेन रूल। तो देखो बच्चों, चेन रूल क्या होता है ये समझ लो, चेन रूल देख लेते हैं अभी कि
और फिर उसके बाद चेन रूल के बाद बच्चों हम फिर क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूले आज हमने लिखे हैं इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आज की क्लास के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये फॉर्मूले जो है बेसिकली आपको याद तो कर हो ही गए हैं, ये फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो बता देंगे हम। तो सॉरी मैं चेन रूल नहीं, अभी तो हमने वो किया नहीं ना, पहले प्रोडक्ट रूल बताता हूँ। प्रोडक्ट रूल चेन रूल तो बहुत लास्ट में बेटा, जो सबसे पहला जो इसमें एक रूल है डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब समझो क्या है, प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है बच्चों कि इफ यू एंड वी आर फंक्शंस, यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, कह रहे यू और वी एक्स पे डिपेंड करते हैं, वह एक्स के फंक्शंस हैं। एक बात आपको दे रखा है वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी, कोई एक फंक्शन दे रखा है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है बच्चों, प्रोडक्ट रूल रखा है, मल्टीप्लीकेशन में है ये। देन ध्यान से देखना, वैसे तो आसान है, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट में तो देखो आपके पास दो फंक्शन है बच्चों, एक यू और एक वी, तो एक बार किसी एक फंक्शन को मान लो कि यू को कॉन्स्टेंट रख लिया और जो दूसरे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका डेरिवेटिव ले लिया, है ना, यू इंटू वी था, पहले यू को कॉन्स्टेंट रखा और फिर वी का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इस बार क्या करेंगे, अगली बार इस बार वी को कॉन्स्टेंट रखेंगे और जो बचा हुआ फंक्शन था यानी कि यू उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है क्या भाई, u into v यानी कि u भी बच्चों x का फंक्शन है, v भी बच्चों x का फंक्शन है, उस केस में हम जो डिफरेंशिएशन है u into v का वो कैसे करेंगे, पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। बोलो बच्चों क्लियर है क्या, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल, इसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट रूल। अब इस पर क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, देखो जरा पहला क्वेश्चन एग्जांपल वन, लो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो देखो बच्चों एक तरीका तो इसको क्या कैसे करने का है कि मैं इनको प्रोडक्ट कर लूं और फिर वो जो लीनियर प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उससे सॉल्व कर ले, इसको मैं प्रोडक्ट रूल से देखो कैसे करूं। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हो गया, देखो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा कि y इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू फाइंड, बेटा जितने भी क्वेश्चन होंगे मुझे उन सब में क्या कैलकुलेट करना होगा, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो देखो एक फंक्शन तो बच्चों ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, तो dy बाय dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले इस फंक्शन को एज इट इज रख दिया x स्क्वायर प्लस वन, तो मैंने इसको x स्क्वायर प्लस वन ही रख दिया। अब क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है जो बचा हुआ फंक्शन था x प्लस टू। आप लोग देखेंगे कि हर पिछली क्लास का इस्तेमाल मैं अगली क्लास में कर रहा हूं बच्चों, तो हर क्लास आप पिछली क्लास अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो तकलीफ होगी। अगली बात देखो कि अब क्या करना है, मैंने पिछली बार इसको कॉन्स्टेंट रखा तो इस बार इसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, x प्लस टू d by dx of x square plus 1, ठीक है। तो देखो आगे x square plus 1, अब देखो इसको करो कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव तो बच्चों 1 होगा, ये कर चुके हो, 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस x plus 2, x square का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, 2 आगे और 1 पावर कम और 1 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो बच्चों कोई दिक्कत हुई क्या, हमने क्या किया कि पहले इस फंक्शन को कांस्टेंट रखा इसका डिफरेंशिएशन, अगली बार इसको कांस्टेंट, सॉरी दूसरे इसको कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव, वो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, वो डिफरेंशिएशन करना तो हम सीख गए हैं। एक बार नोट कर लो बच्चों जरा एक बार फटाफट से इसको, अगला देखो एग्जांपल
टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग बेस टी इंटू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो कैसे करेंगे बच्चों, दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, ये u हो गया, ये v हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा ना। तो dy by dx इज इक्वल टू, पहले इसको कॉन्स्टेंट रख लेता हूं और डेरिवेटिव ले लेते हैं किसका, log बेस e x का, प्लस साइन प्लस का ही आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, log बेस e x dy dx ऑफ x स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत क्या, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लिया, अगले स्टेप में क्या करना है कि दूसरे वाले को कांस्टेंट रखना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई ये हो गया x स्क्वायर इनटू भाई log x का डिफरेंशिएशन, बच्चों log बेस e है तो उसका 1 / x होता है, मैं जानता हूं, अभी अभी हमने आज फॉर्मूले पढ़े भी है, उसमें भी आप देख सकते हो x स्क्वायर का डेरिवेटिव। बच्चों देखो पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी है, तो यहां से आपका आंसर आ गया x प्लस 2x log बेस ex, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 2 log बेस ex। सो दिस इज द dy / dx ऑफ दिस फंक्शन। ये इस फंक्शन का क्या आ गया, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। और देखो बच्चों y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x x प्लस 7, इसका आपको डिफरेंशिएशन dy / dx बताना है। आप देखो भाई एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, इसको u मान लो, इसको v मान लो ना भाई, एक को u मान लो और एक को v मान लो। तो dy / dx इज इक्वल टू, पहले मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 3x, और अब आपको डेरिवेटिव लेना है dy by dx इसका प्लस। बच्चों इस बार x प्लस 7 तो रहेगा कांस्टेंट, और इस बार dy dx हो जाएगा किसका, x स्क्वायर प्लस 3x का। तो आप देखो बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, x की पावर 1 तो आ गया, और x की पावर 1 कम 0, और 7 का डेरिवेटिव तो बच्चों क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस x प्लस 7। अब आगे देखो, पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बच्चा पावर आगे एक पावर कम, दो में से एक गया 1, प्लस 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव, x की पावर 1 तो आगे आ गया 0, ये हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x, ये तो 1 ही बन जाएगा, प्लस x प्लस 7 2x प्लस 3। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x है ना, ये वाला प्लस 14x प्लस 21, ओके सॉल्विंग पार्ट बच गया, ये हो गया 3x स्क्वायर 3, 3, 6, 6, 14, 20, 20x plus 21. So this is the answer to this question. ये इस question का क्या हो गया बच्चों? ये इस question का answer आ गया। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको differentiation आता है, तो कोई नया काम नहीं कर रहे, हल्की सी नई 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 technique सीखी है कि एक बार क्या करना है, पहले वाले को constant रखना है, दूसरे वाले का derivative लेना है, फिर plus के sign के साथ क्या करना है, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखना है, पहले वाले का डेरिवेटिव लेना है। देखो जरा ये नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं रब करता हूं ये, तो प्रोडक्ट रूल पे ही आज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों। अब साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मजा आएगा फिजिक्स में आपको, ये मेरी गारंटी है, बड़ा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो बच्चों, ऐसे लिख लो कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x माइनस 3x क्यूब, ऐसे लिख लो,
ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बार बार कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए हमें। तो देखो बच्चों dy by dx है ना बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अरे आ रहा है समझ में भाई, बड़ा आसान सा काम है, घबराओ मत, बहुत आसान से काम करने लग रहे हैं। देखो पहले को कांस्टेंट, सब बिल्कुल अलर्ट होके 3x2 + 1 पहले वाला कांस्टेंट dy dx किसका 4x - 3x³। ये मैं उधर से इसको खत्म कर देता हूँ, स्पेस मुझे ज्यादा अच्छी होता है ना, एक सेकेंड इसको रब कर रहा हूँ बेटा, होपफुली सभी ने नोट कर ही लिया होगा। ये मैं रब कर देता हूँ एक बार सारा। देखो जरा आगे, अच्छा अब यहाँ क्या आएगा बच्चों, प्लस का साइन। अब इस बार 4x - 3x³ और d/dx, इस बार जो पहले वाला जो फंक्शन था जिसको आपने लास्ट टाइम कांस्टेंट रखा था उसको इस बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा ना बस डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा बेटा, मैं सॉल्विंग वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा कि उसको सॉल्व करके क्या आएगा, प्रोडक्ट वगैरह करके विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। तो देखो पहले 4x का डिफरेंशिएशन बच्चों, 4 तो एज इट इज, इसके पावर 1 थी, 1 आ गई और 1 में से 1 गया तो इस पावर 0, माइनस 3 तो आगे था ही, पावर आगे आ गई 3, एक पावर कम, प्लस 4x - 3x³ एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखो 3 पावर आगे 2 और एक पावर कम, प्लस इसका डेरिवेटिव 0। तो ये क्या हो गया अभी 3x² + 1, पूरा बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ये बचा 4 बन गया -9x² + 4x - 3x³ और बच्चों ये बन गया 6x। अब इसको ठीक है वो जैसा भी आएगा, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इसको, मैं डिटेल में आप भी मत सॉल्व करना, समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। क्लियर है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, साथ साथ करते रहो अच्छे से। एग्जांपल नंबर फाइव देख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, बेसिकली प्रैक्टिस ये और कुछ नहीं है, x³ + x² - 3x। ठीक है, तो बच्चों एक तरीका तो क्या था कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं फिर वो वैसे कर लूं, बट मैं इसको कैसे कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट रूल से करके दिखाता हूं। देखो तो यह u और ये पूरा का पूरा फंक्शन v बन जाता है मेरे लिए। तो dy by dx is equal to root x तो कांस्टेंट, dy dx x³ + x² - 3x। अब क्या करना है, प्लस इस बार इसको कांस्टेंट रखूंगा, x³ + x² - 3x और dy dx, बेटा रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं x^(1/2), ये सब लोग जानते हैं। रूट एक्स देखो बच्चा, x^3 है तो 3 आगे और एक पावर कम, प्लस 2 आगे एक पावर कम, -3 × 1 और x^1 ऐसे लिख लिया, प्लस x³ + x² - 3x। और देखो बेटा इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, 1/2 आ गई और x^(1/2 - 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बस ये लास्ट स्टेप ही कर रहा हूं, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। +2x - 3 + बेटा 1/2 वो तो आगे आ गया, मैं इसको यहीं लिखता हूं, x³ + x² - 3x और x^(-1/2) कितना होता है बच्चों, 1/√x। तो देखो ये बात हमें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, बताओ जल्दी से। तो देखो अब आप आज की क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आपको बता दिया है कि कैसे वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं और कैसे प्रोडक्ट रूल को वहां पर यूज करना है। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग मोर एग्जांपल्स, हम और क्वेश्चंस करेंगे उस पे और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आपको अगली क्लास से पहले ये जो 10 फॉर्मूले हैं ये बता, ये आपको याद करने हैं ना, इसको बार बार बेटा आप लिख के याद करेंगे,
जितनी बार इसको लिखेंगे उतना ही अच्छे से याद होगा। और ये जो पांच क्वेश्चन बताए हैं कि हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट रूल, वो आपको मैंने बता दिया है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट रूल पे, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।